गाजीपुर समेत पूरे प्रदेश में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन रहा। ये लॉकडाउन 10 जुलाई को रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक प्रभावी है। लॉकडाउन में केवल जरूरी सेवाओं को लेकर ही गतिविधियां चलें, इसके लिए गाजीपुर पुलिस काफी मुस्तैद नजर आई। आपको गाजीपुर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखा रहा है, जहां पुलिस ने लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए सक्रियता दिखाई है। इस बीच रेवतीपुर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। रेवतीपुर थाना अध्यक्ष अवधेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम लॉकडाउन का पालन कराने उतरी थी। इतने में एक स्कॉर्पियो नजर आई, जिस पर काली फिल्म चढ़ाकर रखी गई थी। आपको बता दें कि गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्म चढ़ाना नियम संगत नहीं है। पुलिस ने स्कॉर्पियो से काली फिल्म को उतरवा दिया। आइए आपको जिले के दूसरे जगहों की झलकियां दिखाते हैं। बिना मास्क अगर भीषण परिस्थिति भी हो, कोई परिस्थिति, बिना मास्क से कोई बाहर ना निकले, मास्क लगा करके निकले, तो घर से निकलने का प्रयास मत करिए बिना आवश्यक कार्य के। बहुत आवश्यक हो तो भी घरों से निकले। गाजीपुर की ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।